हेलो नमस्ते सत श्री अकाल एंड जय श्री राम। आ गई वो घड़ी जिसका था मुझे इंतजार। सो फाइनली गाइस मैं आ गया हूँ वेन्यू पे। कहाँ? सिमी की शादी के वेन्यू पे। पिछले सारे आपने एपिसोड देखे, आई होप आपको अच्छे लगेंगे। अगर आपने नहीं देखे तो जाके पीछे सारे के सारे एपिसोड देख के आओ और बताओ कैसे लगे कमेंट करके। वेडिंग वेन्यू पे मैं आ चुका हूँ ऑलरेडी, मैं टाइम पे आया हूँ ऑलमोस्ट और ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, क्योंकि सबसे पहला हमारे गुजर में जो सबसे बड़ा पहला फंक्शन होता है वेडिंग के टाइम में, लड़की की वेडिंग के टाइम में, वो होता है भात। आपको याद है भात नौतने का भी हमारे ब्लॉग आया था, अभी भात लेने का आएगा। तो जो हम भात नौतने गए थे वो भात ही आएंगे, यहाँ पे आते जा रहे हैं, ऑलरेडी आ चुके हैं लगभग और आते जा रहे हैं, नाश्ता चल रहा है उनका, उसके बाद वो हमें भात देंगे। तो ये भी पूरी रस्म होती है, मैं आपको दिखाऊंगा। बट अभी पूरी फैमिली भी मेरी आई नहीं है, क्योंकि भाई लेडीज़ों को पता है ना पार्लर वार्लर में जाके रेडी होते हैं, हमारी तरह तो है नहीं। मुंह धोया और शेव करी और आ गए ट्रैफिक से जूझते हुए। मैं तो पहले आ गया बट वो भी लोग आते ही होंगे, जैसे जैसे आएंगे मिलाता रहूँगा दिखाता रहूँगा। और अभी पहले वेन्यू के आपको पूरी एक बार दिखा दूँ कैसा है हमारा वेन्यू। और भाई जैसे ही अपन लोग मेन एंट्री से अंदर आते हैं, हमारे लेफ्ट में एक छोटा सा ऐसे फोटो, मतलब एक वॉल है, इसमें ना फोटो शोटो खिंचा के बहुत अच्छे फोटो पिक्चर्स ले सकते हैं जो भी हमारे गेस्ट आएंगे। और राइट साइड में कन्यादान हमारे लिखा जाता है, और ये बड़ी जिम्मेदारी भाई दी गई है हमारे हाथ में। भैया राम राम, कैसे भैया? ठीक हो? और ये हमारे सबसे जिम्मेदार लोग सबसे जिम्मेदार काम करने में लगा दिए, डालनी पड़ेगी भाई हर तरह की फोटो वीडियो वाली भी चलेगी, ये जो है ना ये भी चलेगी। इनका मेरे भाई इतना असला है ना, इतना असला, इतने फोटो वीडियो है ना मेरे पास। अभी तक टाइम बाकी है, तो शुरुआत हुई है। आप कर रहे हो, आप आराम से आगे एंजॉय करिए। आप जो इंस्टाग्राम पे बहुत सारे फोटो वीडियो जो मेरे देख रहे हो ना स्टोरीज में, वो यही दो बंदे भाई, खतरनाक चुन्नी से लेकर लहंगा तक की दुकान है। हमारे टीम को ज्वाइन कर लिया है ये गुरु जी, ये तो लहंगा और चुन्नी के मास्टर है और ये जो है हमारे सच्ची का मास्टर है। तो भाई शादी के टाइम में सबसे पहली रस्म जो होती है भात, वो लिया जा रहा है। भाती सारे आ चुके हैं, लाइन से खड़े हैं आप देख रहे हो, और भाभी आरती कर रही है सबकी, टीका करके उनको एक एक करके अंदर जाएंगे और फिर वो भात देने की प्रक्रिया होती है। दोनों तरफ से लोग बैठते हैं और एक छोटी सी रस्म होती है, वो सब अपना करते हैं। तो भाई बारात गेट पे आ चुकी है और हमारी साइड से काफ़ी सारे लोग गए और बारात को उनको वेलकम किया, और अब धीरे धीरे सब अंदर आने लगे हैं। अभी ये अपनी टीम आ रही है, इसके बाद पूरी बारात अंदर आएगी। अभी आप दिखाते हैं Thank you.
आज जिंदगी से मिलो एक बार फिर और बड़ौला जिंदगी के साथ में हमारी भाभी भी आज भाभी मेरे चैनल पे पहली बार आ रही है शायद है ना हाँ कब बुलेट की डिलीवरी पे हाँ बाइट की डिलीवरी सही है भाभी कुछ खाओ पियो आराम से अच्छे से बहुत सारा टाइम है आज आपके पास कोई काउंटर ना बच जाए सारी चीजें ट्राई मारनी है ठीक है ना पूरा टाइम है अपने पास विदा विदा करा के जाना है एंड में तो मैं बाद में फीडबैक लूंगा कौन सी चीज सबसे अच्छी थी और कौन सी चीज सबसे बेकार थी और आपने मेरे कपड़ों के लिए कुछ कहा था कैसे लग रहे हैं है ना बस करो क्या हो गया बस करो यार क्या हो गया क्यों इतना इतना भी कैसे हो गया ठीक है भाभी भाई के लिए बोल दो कुछ बोल दो कुछ अच्छा सा बोल दो अच्छा मेरा हम वैसे तो सालों बाद ही मिलते जब भी मिलते और आज मुझे उम्मीद कम थी इतनी दूर से दूर पड़ता ना थोड़ा सा हमसे भी और 20-25 मिनट आगे था अच्छा लगा मुझे थैंक्स सारा फॉर इनवाइटिंग मी हैविंग मी हियर इस अश्लील बंदे का तोड़ भी है मेरे पास मैं सबसे बड़ा अश्लील बंदे भाई साहब ये हम दोनों बहुत पुराने दोस्त हैं दोस्त कम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ज्यादा है हम लड़के कितने पुराने होंगे हम क्लास में क्लास 40 साल पुराने दोस्त इनकी एज समझ जाओ इनकी एज समझ जाओ 40 साल पुराने दोस्त फिर आए बट दुरुस्त आए बहुत दिनों के बाद आए इनको तो जानती हो हल्दी में कैट आने वाले तो चेहरे ठीक है ना टाइम टाइम पे आगे तुम अच्छा हुआ ज्यादा लेट बहुत ये तो ईद का चांद आ गया साथ के साथ चांद भी दिखा दिया फोटो शॉट हो गए अच्छे कोई कमी तो नहीं रहेगी और फोटो खींच जाएंगे आ जाओ चैंपियन जब से लेकर बैठो अभी आराम मिला और अभी भी आराम करने को मन नहीं है देखना शूट हो रहा है ये जो चीज लाइट है ना ब्राइटनेस इससे आते हैं अच्छे फोटो चांस ही नहीं ये लाइट बंद कर दो अभी फोटो की क्वालिटी बदल जाएगी
कव्य कहा गया। तो आज से आप जो भी यज्ञ का कार्य करेंगे, कव्य का कार्य करेंगे, उसमें मेरी सहमति लेंगे, हम दोनों मिलकर उस यज्ञ को पूर्ण करेंगे। जब धर्मपत्नी के साथ ही वह कार्य पूर्ण किया तभी वह यज्ञ पूर्ण कहा जाता है। भगवान रामचंद्र जी थे, उन्होंने भी अगर सीता जी नहीं थी तो उनकी स्वर्ण की प्रतिमा बनाई थी, क्योंकि तब भी बिना पत्नी के नहीं होती, इसलिए पत्नी जब तक नहीं होती तब तक यज्ञ पूर्ण नहीं होता। अभी का कैसे है ना, फेरे वेरे हो गए हैं, सबने खाना वाना खा लिया बच्चों ने, और मैं निकल रहा हूँ यहाँ से जल्दी जल्दी सबसे पहले, क्योंकि हमारे यहाँ से क्या होता है डोली जो है ना घर से विदा होती है, तो जब सिमी जो अभी सिमी की डोली जो विदाई होगी वो घर से होगी, तो उसके लिए मैं जल्दी निकल रहा हूँ। घर जाके थोड़ी सी व्यवस्था करनी पड़ेगी, चाय पानी की, बैठने की, वो सब चीज़ की, तो अभी सब लोग धीरे धीरे आएंगे, बट मैं पहले निकल रहा हूँ। इस मंडावली गांव की मोस्ट डेसिंग हैंडसम पर्सनालिटी, आज की एज में मंडावली गांव में इनसे बुजुर्ग हैंडसम बंदा अवेलेबल नहीं है। बजवा दूं गाने फिर, बुजुर्ग यंग नहीं है, इनसे बुजुर्ग हैंडसम डेसिंग पर्सनालिटी बंदा अवेलेबल है ही नहीं। सो अभी जो ये रस्म हो रही ना, इसे कहते हैं टीका। इसे टीका करते हैं हमारे यहाँ दूल्हे का, सारी घर की लेडीज करती हैं, तो वही चल रहा है अभी। उसके बाद होगी विदाई।
सो भाई फाइनली चेंज वेंज कर लिया, बहुत ज़्यादा देर हो गई है। कितने पता है, सुबह के 7:30 बज चुके हैं। 7:30 बजे अगर पहली बार ऐसे बैठे हैं तो मैं आराम से रिलीफ हो गया ना, बिल्कुल पैर तो मेरे टूट चुके हैं यार। नए फॉर्मल शूज़ थे, उन्होंने पैर टाइट कर रखे थे, जीप से पैर टाइट कर रखे थे बहुत ज़्यादा शूज़ में ना, तो बहुत ज़्यादा थकान भी थी। वेल भाई विवाह संपन्न हुआ, बहुत अच्छा टाइम निकला। अभी वो हमने अभी ना थोड़ा सा इमोशनल सीन भी था ना, वो भी मस्त झेल लिया मैंने। मैं रोया नहीं भाई, मैंने कहा नहीं रोना, मैंने किसी को रोने भी नहीं दिया। रोए फिर भी, रोना तो आएगी यार, ऐसे में ऑब्वियसली रोना आता है। बट अच्छा था यार, सब बहुत अच्छे से हो गया। आई होप आपने कुछ देखा हो आज के व्लॉग में सही ढंग से, क्योंकि ना आज का मैक्सिमम जो शूट हुआ है ना, वो या तो सक्षम ने कराया, वाई ने कराया, या लाला ने कराया, या प्रदीप ने कराया, प्रदीप चतुर्वेदी ने, तो ऐसे ही निकला क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी था। जो पिछले सारे प्रोग्राम से जो मस्ती की थी ना, आज मस्ती कम करी यार, थोड़ी थकान इसलिए रहेगी, ये भी वो भी। ऐसा देख के मेन दिन में जाके ना थोड़ा सा सच में बिजी हो जाता है, क्योंकि आज गेस्ट लिस्ट बड़ी होती है, तो अब सबसे मिलना भी होता है, कई बार फ़ोन आता है ये कहाँ है, फिर ये अरेंज करो, मतलब ये सब में रहा आज बहुत ज़्यादा। बट एंड ऑफ द डे सब मस्त हो गया, बहुत अच्छा हो गया, ज़बरदस्त हो गया। सिमी अपने घर गई, अपने नए घर। सो आज के लिए इतना ही। सिमी की वेडिंग का फाइनल एपिसोड था ये, बट इट्स नॉट फाइनल एपिसोड, अभी इसके बाद भी और बहुत एपिसोड आने वाले हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम भी ये बहुत जल्दी में बताऊँगा, सिमी के रिसेप्शन में आपको लेके चलेंगे। तो बट आज के एपिसोड के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसे ही बने रहे मेरे साथ, और पूरा व्लॉग देख लिया तो इसको जल्दी से लाइक कर दें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं जल्दी नए व्लॉग में।